बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एग रोल बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने 200 ग्राम्स मैदा लिया है और एक रोल के लिए मैं एक अंडे इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से हमने चार अंडे लिया है और ये 50 ग्राम वेजिटेबल ऑयल है और दो मीडियम साइज़ के प्याज हमने इस तरह से काटा है और इसे अच्छे से धो लिया है काट करके, ताकि इसमें जितने भी झांस थे वो निकल गए हैं और रोल में मुझे झांस नहीं लगेंगी। और एक खीरा को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, ये चाट मसाला है। और 3 to 4 ग्रीन चिली जैसे हमने बारीक काट लिया है, ये हाफ लेमन है। और मैं टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट यूज़ करूँगी। ये टोमेटो केचप है और ये ग्रीन चिलीज। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक बर्तन में इस मैदे को डाल दे रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। आप पहले पानी मत यूज़ करें, पहले इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। ये देखिए, हमारे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने इसे 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स किया है। ये सारी चीज़ें अच्छे से अब मिक्स हो चुके हैं। इसके टेक्सचर भी आप देख पा रहे होंगे, मैं इस तरह से कर रही तो अभी एक समान जैसे हो जा रहे हैं। अब मैं पानी से इसके एक डो तैयार करूँगी। आप थोड़े थोड़े पानी देके एक डो तैयार कर लें। डो थोड़े सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। ये देखिए, हमारे डो तैयार हो रहे हैं। इसे मैं थोड़े थोड़े पानी देके गूंद रही हूँ। ये डो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़े से हाथों से 1 मिनट तक ऐसे ऐसे कर ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। ये देखिए, हमारे अच्छे से डो फॉर्म में आ चुके हैं। हमने इसे 1 मिनट के लिए मसल भी लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दे रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। अब मैं एक रोल बनाने के लिए एक को फेट ले रही हूँ। इसके लिए मैं एक रोल के लिए एक अंडे फोड़ रही हूँ पहले। साथ ही मैं इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब नमक अंदाज से ही दे, क्योंकि हमने पराठे में भी डाला है। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए चिल्ली ऐड कर दे रही हूँ, ग्रीन चिल्ली। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। हमने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसे अलग करके रख दे रही हूँ। ये देखिए, हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। इसे मैं फिर से थोड़े से हल्के से इस मसल ले रही हूँ। अब मैं रोल बनाने के लिए इसकी बॉल तैयार करूँगी। मैं इसे बॉल के शेप में अब दे दे रही हूँ। ये देखिए, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह मैं सबको बना ले रही हूँ। हमारे बॉल रेडी हो चुके हैं।
अब मैं बेलना स्टार्ट करती हूँ। मैं बेल रही हूँ। बेलने के लिए मैं सिंपल एक डस्ट में इसे थोड़ा डिप करूँगी। इसे मैं एक चपाती के शेप में बेल लूँगी। ये देखिए हमारे कंप्लीट राउंड हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा ग्रीस कर ले रही हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े पुश की स्प्रेड कर दे रही हूँ इसपे। मैं सिंपल इसे इस तरह से फोल्ड करती जा रही हूँ। देखिए हमारे एक तैयार हो गए। ये देखिए हमने चारों को इस तरह तैयार कर लिया है। अब मैं एक एक करके बेलती जा रही हूँ। मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। बेलने के लिए मैं सिंपल एक बॉल इसमें डालूँगी। इसे मैं बिल्कुल पतले नहीं करूंगी, थोड़े मोटे ही रखूंगी। ये देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसे मैं थोड़े मोटे रखी हूँ। इसी तरह मैं सारे बचे हुए को बेल ले रही हूँ। मैं रोल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे तवा अच्छे से गर्म हो चुके हैं। जब ये एक साइड हल्के हल्के सीज जाएंगी तो मैं इसे टर्न करूंगी। हल्के हल्के सीख चुके हैं। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट साइड भी हमारे हल्के हल्के सूख चुके हैं थोड़े बहुत। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से ग्रीस कर ले रही हूँ। ये साइड भी मैं थोड़ी ग्रीस कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारे हल्के हल्के अच्छे से सीख चुके हैं। अभी कंप्लीट नहीं सूखे हैं। इसे मैं निकाल ले रही हूँ। जब मैं अंडे डालूंगी तब मैं इसे अच्छे से सेकूंगी। इसे मैं अभी थोड़ा निकाल ले रही हूँ। मैं इसमें थोड़े से तेल डाल रही हूँ और अब मैं इसमें अंडे डाल दे रही हूँ। ये अंडे भी हमारे हल्के हल्के सीख चुके हैं। अब मैं इसमें अपने पराठे रख दूंगी। इसे डालकर अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे सेकूंगी ताकि हमारे अंडे अंदर से कच्चे नहीं रह जाए। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। हमारे अंडे भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे अगेन टर्न कर रही हूँ और ये साइड भी मैं अच्छे से सेक लूँगी। दोनों साइड हमारे अच्छे से सेक चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इसे कलर और इसमें कितने अच्छे लेयर्स भी शो हो रहे हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब मैं इस रोल में थोड़े से खीरा ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें थोड़े से प्याज ऐड कर रही हूँ।
अब मैं इसमें थोड़े से चाट मसाले भी दे दे रही हूँ। मैं इस पे थोड़े से नींबू निचोड़ दे रही हूँ। मैं इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़े से, अगर बच्चे खाएंगे तो उसी मात्रा ऐड करें आप। मैं इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर दे रही हूँ। मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ। अब इसे आप फोल्ड करने के लिए सिंपल ऐसे करें और इसे आप इस तरह से कर दें। अब मैं इसे एक बटर पेपर से रैप कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाहर जैसी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे आप घर पर बनाकर ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।